कश्मीर न्यूज सर्विस प्रेजेंट। आपने कहा कि बीजेपी का प्रोग्राम है कल जश्न मनाने का, वो अपने मर्जी के मालिक हैं, जश्न मनाए क्या करें, लेकिन मेरी ज़ाती राय यही है कि कल का दिन हमारी तारीख में एक सियाह तरीन बाब है, चैप्टर है, और कल का दिन हमें याद दिलाता है कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ, हमारी पहचान को मिटाया गया, हमारे रुतबे को घटाया गया, हमें हमारी मर्जी के खिलाफ एक दूसरे से अलहदा किया, भला ये जश्न उनके लिए होगा जिन्होंने ऐसा किया, हमारे लिए आवाम के लिए हर मकतब फिक्र के लिए जो इस जिनका ताल्लुक है इस ज़मीन के साथ, जिनका ताल्लुक है उन रिवायात के साथ, जिसने जिन रिवायात की वजह से हमारा वजूद आज भी कायम है। तो आपने सियाह तरीन दिन बोला, तो कल के हवाले से क्या मैसेज या क्या प्रोग्राम है आपकी तरफ से? नहीं, हमारा प्रोग्राम क्या होगा? प्रोग्राम वजह किया है सरकार ने बंदिशों का, प्रोग्राम वजह किया है पिछले 2 साल में मुसलसल जुबान बंदी का, और खामोश करने की हर तदबीर को आजमाया जा रहा है, भला इसमें हम करें क्या? इस सन्नाटे में, इस खामोशी में, जिसे जबर से, जिसमें जोर जबरदस्ती से हर एक का कलम, हर एक की जुबान, हर एक के दिल की आवाज को खामोश किया गया है, भला क्या करें? हम टकराव नहीं चाहते, टकराव से और मुसीबतें पैदा होंगे हमारे आवाम के लिए, उन पर क्या गुजरती है वो एक राहगीर से आप पूछ लीजिए, हमारे आवाम पर क्या गुजरती है उनसे पूछ लीजिए जिनके अजीज व अकारिब की पकड़ धकड़ आज भी जारी है, कुछ ज्यादा ही, उनसे पूछ लीजिए जिनकी रोजी रोटी का सवाल, पूरे मुल्क में लॉकडाउन रहा और 2 बार वहां देख लीजिए हालत क्या है माशरे की, रोजगार देने की बजाय रोजगार छिन गया, बेकारी में कमी होने के नारे के बावजूद इजाफा हुआ, खेती में काम करने वालों का क्या हुआ, किसान से पूछिए जो पार्लियामेंट के सामने बैठे हैं, मजदूर से पूछ लीजिए जिनका कामकाज बंद हुआ, जिनको एक साथ मिलकर एहतजाज करने का जो आईनी हक था वो भी वापस छिन गया, तालिबे इल्मों से पूछ लीजिए, नौजवानों से पूछ लीजिए, मेरे कहने का ये मतलब है, लेकिन यहाँ जो कश्मीर की पिक्चर है वो पिक्चर एक लॉकडाउन नहीं, 2 लॉकडाउन नहीं, यहाँ तो क्रैकडाउन बराबर जारी है। अगर एक तरफ बीजेपी अपनी कामयाबी समझते हैं इस चीज़ को कि हमने करके दिखाया 370 एब्रोगेट करके, तो आपके पास कोई ये चीज़ नहीं है कि आपको कल का दिन आप किसी तरीके से मनाएं कि नहीं? मुझे ये बताइए कि अगर बीजेपी के पास ये है कि उन्होंने जश्न मनाना है कि हमारी
जम्मू कश्मीर के आवाम को बेइज्जत करके उन्होंने कुछ हासिल किया, गलतफहमी के शिकार है। तारीख रुकती नहीं है, तारीख आगे बढ़ती है। अभी जल्दी से फैसला होगा नहीं, इस मुल्क की रिवायात हैं, इस मुल्क की ज़मीन में ये बातें हैं, ज़मीर में ये बातें मौजूद हैं कि आवाज़ उठती है महकूम के हक़ में, मज़लूम के हक़ में, ना इंसाफियों के ख़िलाफ़। आज कश्मीर जिस अजाब से गुज़र रहा है, वक्त आएगा और लोग मुल्क में बोलेंगे और कुव्वतें अपना सर उठाएंगे कश्मीरी आवाम के हक़ में, उनके हकूक़ के हुसूल याबी की खातिर। ये एंड नहीं है हिस्ट्री का। तो पीएचडी के तर्जमान होने के हसियत से आप क्या कहें के कहेंगे कल के हवाले से? पांच हम सिर्फ यही कहेंगे, क्या अभी प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई? हम गए, तवक्कुआत बनी मुख्तलिफ सर्कल्स में, शायद कुछ पेशरफ्त होगी। हमने 4 अगस्त 2019 को एक साथ मिलकर पब्लिकली दरख्वास्त की थी प्राइम मिनिस्टर से, जो अफवाहें हैं ना होना चाहिए, इससे बिगाड़ पैदा होने का अंदेशा है। जो भी करना होगा, सोचना होगा जम्मू कश्मीर के आवाम से, स्टेक होल्डर से बात कीजिए, इनकी बात को सुनिए। 2 साल तक सुना नहीं, 2 साल तक बुलाया नहीं, यकायक बुलाया। तो क्या पेशरफ्त हुई है आपके? मैं वही कहता हूँ, ये सरकार से पूछ लीजिए, पेशरफ्त हुई है? पेशरफ्त हुई है कि कल ही नया कानून लागू किया गया या कहा गया क्या, अब अगर किसी का बच्चा, किसी बच्चे के खिलाफ इल्ज़ाम है थाने में कि ये स्टोन पेल्टर है, उसके भाई को भी, उसके रिश्तेदार को भी, अब बाहर जाए, हज के लिए जाए, इलाज के लिए जाए या किसी तिजारत के लिए जाए, इजाज़त नहीं होगी, पासपोर्ट नहीं मिलेगा, या अगर नौकरी ढूंढेगा नौकरी नहीं मिलेगी। हत्ता कि हमारे मुल्क में अब भी आईन है, अब भी कानून है, और पुलिस किसी पर इल्ज़ाम लगाए, इल्ज़ाम से कोई मुजरिम बनता नहीं, मुजरिम तब बनेगा जब अदालत कानून के मुताबिक, जो वज़ा शुदा कानून है, आईन है, उसके मुताबिक किसी को मौरिद इल्ज़ाम ठहराया जाए, मुजरिम ठहराया जाए, तब भी अपील करने का हक है। एक मिसाल अभी देता हूँ कि एक का लड़का रानावारी से गया था गुजरात, गिरफ्तार हुआ 10 साल पहले 11 साल पहले, अब रहा हुआ, अदालत ने किया और अदालत के हुक्मनामे में दर्ज है इसके खिलाफ सारे इल्ज़ामात गलत थे, 11 साल उर्सा जेल में रहा। कंपनसेट कौन कर लेगा? और जब हम कहते हैं कि भाई ये जो आपने कानून बनाए हैं ये गैर जमहूरी है, गैर आईनी है, इसमें सुप्रिट नहीं है शहरियों के बचाव के लिए, हमें इल्ज़ाम दिया जाता है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, हमें गुपकार को गुपकार गैंग भी कहा गया, लेकिन इसी तारीख ऐसी है, हालात ऐसे हैं, मजबूरियाँ ऐसी हैं कि गैंग को भी फिर मेहमान बनाया जाता है। आपको पछतावा तो नहीं है कि आपने मुलाकात की वहाँ जाके? नहीं, पछतावा क्यों? नए नए कानून आ रहे हैं। नहीं, पछतावा क्यों ना, और जाएंगे कहाँ? अभी हमारा मुकदमा है अदालती आलिया में, 5 अगस्त में, जो यहाँ हमारी आयूनी पोजिशन से हमें महरूम किया गया, हमें अपने जम्मू कश्मीर के आईन को मिटा दिया गया, हमें तकसीम किया गया, हमारे दर्जे को घटाया गया। साहब, हमने अदालती आलिया में इन तमाम कवानीन को चैलेंज किया है और 2 साल हो रहे हैं
अभी तक शमाई नहीं हुई। क्या इसके ये मानी है कि अदालत आलिया की तरफ हम रुजू न कर लें? हम इंसाफ चाहते हैं, देर नहीं होनी चाहिए इंसाफ में। इंसाफ के लिए गौर करने में हमारी अपील वाजिब बन जाता है कि उस पर गौर किया जाए, लेकिन देर भी हो जाए तब भी हम उम्मीद का रास्ता तरक नहीं करेंगे। अगस्त आपने कहा अभी सियाह तरीन दिन के तौर पर हम मनाएंगे, कोई अलामती प्रोग्राम आपका हो? नहीं, ये क्यों अलामती, ये हर घर में सियाह तरीन है, हर दिल में सियाह तरीन है। अरे साहब, आपको लगता नहीं है? चेहरों पर नजर डालिए आप, वो जो आज अपने आप को हमनवा समझते हैं सरकार का, उनके चेहरों पर भी उदासी होगी, मुझे यकीन है। मुझे यकीन है कि कोई भी अहले फिक्र, कोई भी शख्स गांवों में काम करने वाला, शहर में काम करने वाला, मजदूर से लेकर एक बिजनेसमैन तक, एक छोटे से बच्चे से लेकर, बच्ची से लेकर बुजुर्ग तक, अगर बीजेपी के पास पछतावा होगा, अफसोस होगा। अगर इनके पास मनाने का, जश्न मनाने का ये सलाह है, क्या वही आपके पास लोग हैं? नहीं, मैं एक चीज, मैं तो यही कहता हूँ ना, मैंने यही कहा, आप मेरी बात को सुनते नहीं हैं, मेरी बात को भी सुनिए। और मुझे कम से कम अगर उन्होंने हमारा मुंह बंद करने की कोशिश की है, आप ना करें तो मुनासिब होगा। और मैं ये कहूँगा कि बीजेपी के पास जश्न मनाने के लिए क्या है? कल ही कहा, होम मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया एक सवाल के जवाब में, जहाँ मुतालबा हुआ था कि स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाए, वादा किया है, क्या मिला जवाब? अप्रोप्रिएट टाइम पर होगा, क्या मिला जवाब? जब नॉर्मलसी रेस्टोर होगी, जश्न मनाइए, जश्न मनाइए, क्योंकि दो साल तक भी आपको नॉर्मलसी नजर आती नहीं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सरकार के मिनिस्टर हजरात पार्लियामेंट में जवाब देते हैं। अरे साहब, जश्न मनाना है, क्योंकि अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। जो वादा किया था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को वहां पेश करके, अरे साहब, आज मेरा सवाल है, आप बताइए कौन सी इन्वेस्टमेंट हुई तब से लेकर आज तक? कितने रोजगार के मौके आपने जम्मू को, लद्दाख को, कश्मीर को दिए? हमें ये बताइए आप, क्या आपने डेवलपमेंट में वही प्रोजेक्ट्स जिन्हें शुरू किया था मनमोहन सिंह की सरकार ने, अरे वही प्रोजेक्ट्स भी अभी तश्ने तकमील है, अभी वो भी पूरे नहीं हो रहे हैं आपकी वसातत से? गांवों में जाइए, पानी का हाल क्या है? दूर दराज इलाकों में जाइए, सड़कों का क्या हाल है? तो व्हाइट पेपर के हवाले जिसमें आप ये सब जिक्र कर रहे हैं कि पिछले, आज हम एक चीज बताएंगे आपकी वसातत से, हमने व्हाइट पेपर अभी तक शाया किया नहीं। आज मैं सरकार से कहना चाहूंगा, मुतालबा करना चाहूंगा कि जो आपकी करनी रही है डेवलपमेंट के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, पकड़ धकड़ के सवाल पर, अमन कायम करने के सवाल पर, आप हमें व्हाइट पेपर शाया कर लीजिए। सरकार आपके पास वसीले हैं, सब कुछ है, लिखाड़ी है, लिखने वाले हैं, राइटर्स हैं, आप अपना चेहरा पेश कर लीजिए जम्मू कश्मीर के आवाम के सामने, लद्दाख के सामने और मुल्क के सामने, कि दो साल में आपने क्या कुछ किया। आपने कहा था, हाँ इसके बरक्स किया आपने, आपने डोमिसाइल कानून लाया जो महाराजा के वक्त से बना था, जमीन के बारे में कानून उसको बदल दिया, जो महाराजा के वक्त में कश्मीरी पंडितों ने और डोगरा भाइयों ने उस वक्त एहतजाज किया था, हमें तहफ़ मिलना चाहिए जाब का और ज़मीन का, बाहर से कोई जाब ना ले, बाहर से कोई शरीक ना बने हमारी ज़मीन पर, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में है, जैसा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है।
लेकिन हिमाचल को हाथ नहीं लगाया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी जुम्बिश तक नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर की ज़मीन पर भी नज़र और यहाँ के जॉब्स पर भी नज़र। ये आपकी करनी है और ये आपकी करनी है कि अभी आप नित नए कवानीन बनाते हैं। दरबार मुंह था, लोग आते जाते थे, एक रिश्ता था। अब अमलन जम्मू और कश्मीर को के दरमियान जो एक गैप थी उसको बढ़ाया, जो दरबार मुंह सेक्रेट था। अब आपने कभी बताना होगा, एक राजभवन से काम नहीं चलेगा, अब कितने और राजभवन बनाने हैं। कल अगर इलेक्शन कभी हुए, ये बताइए कि चीफ मिनिस्टर कहाँ होगा और असेंबली कहाँ सेशन बुलाएगी। ये सवालात हैं, व्हाइट पेपर चाहिए हमें। ये कब तक सरकार, ये कब तक जारी करेंगे आप? नहीं, हमने नहीं, मैं सरकार से मुतालबा करता हूँ कि व्हाइट पेपर चाहिए हमें सरकार की तरफ से। जो उन्होंने कहा, मसलन उन्होंने आज कहा डंडोरा पीटा, नया कश्मीर बनाएंगे। वो मेरा कश्मीर, उसको तो मिटा दिया। वो कश्मीर जिसने यहाँ के काश्तकार को ज़मीन दी, वो कश्मीर नया कश्मीर जिसने यहाँ के जो साहूकारों का कर्ज था उससे नजात दिलाई हमारे किसान को। अरे वो कश्मीर जिसमें एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया गया, वो नया कश्मीर जिसमें औरतों को, हमारी बहनों को एम्पावरमेंट मिली, एम्पावर किया गया, बा अख्तियार बनाया गया। वो कश्मीर मिटाने के दर पे हैं आप, और नया कश्मीर खंडरात का कश्मीर, ना इंसाफियों का कश्मीर, ज़्यादतियों का कश्मीर, महरूमियों का कश्मीर, वो हमें चाहिए नहीं। हमारा वही नया कश्मीर तो क्या जो हमारे हमारे लंबी जुदोजहद के बाद बना है, वो कल भी हमारी रहनुमाई करता रहेगा। क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी ये जो पीएचडी की तरफ से? हमारे तरफ से मैं एक चीज़ बताऊंगा, हम तो कोशिश करते रहे, हम जम्मू गए ताकि जम्मू के लोगों से कठुआ जाने के लिए हम सोच रहे थे, राजौरी पुंछ डोडा वहाँ जाना चाहते थे, उधमपुर जाना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिला। और यकायक यहाँ डीडीसी के चुनाव और उसमें शमूलियत की, चुनाव में शमूलियत की तो गैंग कहा गया, गालियाँ तक मिली, सब ऐसा हुआ, लेकिन हमने तब भी हौसला नहीं छोड़ा। और अभी भी ईडी का सिलसिला जारी है, और एजेंसियाँ मुतहरिक हैं कारकुनों को, किसी के रिश्तेदार को, ये सब बातें जारी है। लेकिन तब भी मैं मानता हूँ कि हमें, हमने अभी जो मीटिंग हुई थी, हमने उसमें फैसला किया कि हमें और सियासी कुव्वतों से भी मिलना होगा मुल्क की सतह पर, और हमें यहाँ की सिविल सोसाइटी से भी राबिता कायम करना होगा। हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी, आप जैसे लोग मौजूद हैं, उनके साथ भी मशवरा करना चाहिए। आप यहाँ के शहरी हैं, आपका भी दर्जा है अपना, हम एकेडमिक सर्कल से भी राबिता कायम करना चाहते हैं। हम लेह और करगिल भी, वहाँ के लोगों को हम ये मानते नहीं हैं कि वो हमसे दूर हैं, हमसे जुदा हैं, हमारी धड़कनें दिल की उनके साथ हैं, उनसे भी मिलना चाहते हैं। एक साथ मिलकर आवाज़ उभरेगी मुल्क की सतह पर, जम्मू कश्मीर की सतह पर। कब होगा ऐसा, आने वाला वक्त बताएगा। तो ये जो सरकार प्राइम मिनिस्टर की लेवल पर जो बातचीत हुई, तो आपने इसके लिए कोई फॉलो अप या किसी किस्म का जो उनसे बात हुई थी, कोई रابطہ है अभी इनके साथ? नहीं, मुझे ये बताइए यार, वहाँ तो उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मुख्तसर तकरीर में जो उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमें मौका मिला बात करने का, जो दो साल में सारे कंटैक्ट की, राबितों की जो छोटी बड़ी राहें हैं उनको बंद किया गया था, एक छोटा सा मौका मिला, हमने मुनासिब नहीं समझा, उस मौके को हम गंवाए। हम गए बात करने के लिए, बात की,
और वहां प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर की दूरियां, दिलों की दूरियां मौजूद हैं, इनको कम करने के लिए एक साथ मिलकर काम कर लेंगे। आज तो हम यही चाहते हैं कि ये जून के आखिरी हफ्ते में, जुलाई और अगस्त के पहला हफ्ता है, अभी तक कोई इशारा मिला नहीं कि इन दूरियों को कम करने का कोई इरादा है सरकार के पास, बल्कि इसके बरक्स ऐसा लग रहा है कि दूरियां बढ़ ही रही है, दिलों की भी और दिल्ली की भी। ये अफसोसनाक है। Thanks for watching Kashmir News Service.